ঘূর্ণিঝড় তাউকতের ধাক্কায় মুম্বাই উপকূলে ডুবে গেল বার্জ পাপা পি 305। ऑपरेशन एक प्लान्ड एक्टिविटी के हिसाब से चल रही है। ऑल दो हमें ये मालूम नहीं था कि किस तरह की आपदा आएगी, लेकिन हमने जैसे ही हमने देखा कि साइक्लोन आ रहा है, हमने वेस्टर्न नेवल कमांड ने अपने सारे जहाजों को तैनात कर दिया और उसके बाद जैसे ही हमें डिस्ट्रेस कॉल आना शुरू हुए, एक एक करके जहाज निकलना शुरू हुआ। मार्च पापा पी 305 থাকা 88 জনের এখনো খোঁজ মেলেনি। মঙ্গলবার রাতেও পি 305 বার্জ থেকে 185 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গত, ঘূর্ণিঝড় তাউকেতের জোরে 4টি ভেসেল ভেসে যায়, যার মধ্যে ডুবে যায় বার্জ পাপা পি 305। आप बताएं कि अब तक INS कोची और बाकी जो रेस्क्यू टीम्स लगी है, इंडियन नेवल शिप्स लगी है, हेलीकॉप्टर्स लगे हैं, कितनी जाने बचाई जा चुकी है P-305 पर? अगर आप सिर्फ P-305 की बात करें तो 185 लोगों की जान बचाई जा चुकी है जी। लेकिन मैं आपका ध्यान एक और तरफ में ले जाना चाहूंगा, जहां पर कि कई सारे ऐसे लोग थे, दो तीन और शिप्स थे, जैसे कि आप अगर गैल कंस्ट्रक्टर कर देखें, जहां पर 137 लोग थे जो कि जहाज में पानी आने के कारण, टोटल पावर फेलियर होने के कारण वो लोग जहाज से कूदना चाह रहे थे जी। हमें ऐसा अंदेशा हुआ कि अगर ये लोग कूद गए तो इनकी जान बचाना भी मुश्किल होगा। हमें उनका ढांढस बढ़ाए रखना पड़ा, हमें उनको अंदेशा ये सांत्वना देते रहनी पड़ी, ढांढस बढ़ाए रखना पड़ा कि आप रहे और हम आपको इवैक्यूएट करें। झड़ेर कारण 6-8 मीटर ऊंचू ढेवर जन्य उद्धार काजे समस्या है। प्रथमे बुधवार सकाल पर्यंत সব মিলিয়ে 638 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার কার্য চালাচ্ছে নৌবাহিনী 5টি জাহাজ এবং 1টি হেলিকপ্টার। कितने लोग मिसिंग है अभी भी मनोज जी? देखिए, कितने लोग मिसिंग है उसके ऊपर मैं अभी फिलहाल कमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो आधिकारिक तौर से ONGC के लोग कर पाएंगे। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कितने लोगों की जाने बचाई जा। रफ कितना चैलेंज हुआ, अंदर समुद्र में हमें बचाने में, समुद्र में ये तो चैलेंजिंग। P-305 বার্জের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়। 150-180 কিমি বেগে ধেয়ে আসা তাউকত ঝড়ের মুখে পড়েছিল 3টি জাহাজ ও ড্রিল শিপের মধ্যে 1টি বার্জ।